हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में टेक्निकल टिप्स 9M में। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कैसे आप अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को, जो कि बहुत ज़्यादा स्लो चलते हैं, हैंग होने लग जाते हैं, जो आप वर्क करते हैं अच्छे से आप उस पर वर्क नहीं कर पाते हैं, स्लो हो जाते हैं। तो ये वीडियो उसी के लिए है कि कैसे आप अपने कंप्यूटर को स्पीड में कर सकते हैं और अच्छे से वर्क करा सकते हैं, फास्ट चले जिससे आपका कंप्यूटर। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। और अभी हमारे चैनल पे 747 सब्सक्राइब हो चुके हैं, तो इस चैनल को ज़रा सपोर्ट दिखाइए और 1000 सब्सक्राइब पूरा करवाने में उसको थोड़ा अपना सपोर्ट दिखाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके कीबोर्ड पे आपको प्रेस करना है विंडो प्लस आर बटन को। आप प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे रन फाइल ओपन हो जाएगी। रन फाइल ओपन हो जाएगी तो आपको यहाँ पे क्या करना है, टेम्प टाइप करना है, TEMP, ये टेम्प टाइप करना है। टाइप करने के बाद इसको आप ओके कर देना। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे इसका टेम्प फाइल का जो फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको सारे फोल्डर को इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको आपको डिलीट करना है। डिलीट कर देंगे तो आपको जो कुछ फाइल होंगी वो डिलीट हो जाएंगी और कुछ फाइल होंगी जो डिलीट नहीं होंगी तो आपको क्या करना है, उसको कैंसिल कर देना, क्योंकि वो कुछ फाइलें ऐसी हैं जो आपकी एंटीवायरस की फाइलें होती हैं तो वो डिलीट नहीं होंगी। तो ऐसे करके आप ये एक स्टेप पूरा कर लेना। तो उसके बाद आपको ये फोल्डर यहाँ से कट कर देना। कट करने के बाद फिर से अपने कीबोर्ड पे विंडो प्लस आर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद फिर आपको यहाँ पर टाइप करना है टेम्परेचर, जो परसेंट वाला फाइल होता है, परसेंट फिर आप यहाँ टाइप करेंगे TEMP, फिर उसके बाद फिर परसेंट ये वाला, ऐसे आपको यहाँ पर टाइप करना है। फिर इसके बाद ओके करना। ओके करने के बाद ये आपको इतने सारे जो फाइलें आपको दिख जाएंगी, इसको आपको पूरे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके इसको भी डिलीट करना है यहाँ से। ये मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। देखो कुछ फाइलें आ गई हैं ना यहाँ पर, ट्राई अगेन। तो ये कुछ फाइलें होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर की फाइलें होती हैं और ये एंटीवायरस की फाइलें होती हैं, जे वो ये मतलब डिलीट नहीं होती हैं, तो इसको आप कैंसिल ही कर देना, ठीक है। ये आपकी कुछ फाइलें जो डिलीट नहीं हुई हैं। तो ये आपका सेकंड स्टेप पूरा हो गया। इसको भी हम यहाँ से, ये फोल्डर है इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो थर्ड स्टेप है, अपने माय कंप्यूटर पर जाना। माई कंप्यूटर, माई PC, आपके जिस नाम से होगा तो आप इसको ओपन करना। ओपन करने के बाद जो आपको जो लोकल डिस्क है, सी ड्राइव, जहाँ आपकी जो विंडो की फाइल जहाँ इंस्टॉल होती हैं, उस वाले फोल्डर पर जाना। इस पर क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ये प्रॉपर्टीज़ पे आपको यहाँ पे आके इस पर क्लिक करना है। फिर आपको ऐसे इंटरफेस दी जाएगा, जो प्रॉपर्टीज़ का जो है ये खुल चुका है। फिर आपको क्या करना है, जो ये आप देख रहे हैं डिस्क क्लीन अप, तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये कुछ स्कैनिंग करेगा, आपकी जो कंप्यूटर की जो सी ड्राइव की जो फाइलें हैं इसको स्कैन कर रहा है। अभी स्कैन करने के बाद ये चेक कर रहा है कि मतलब कितनी फाइलें हैं, कितनी इसके अंदर जो फोल्डर्स हैं, सब चीज़ें स्कैन कर रहा है ये अभी। ये भी स्कैन हो चुकी है। तो आपको ये ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, जितने आपके फोल्डर्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये देख रहे हो जितने फोल्डर्स दिख रहे हैं, आपको सबको सिलेक्ट करना है। यहाँ मैं सबको सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ये जितने हैं सबको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है, यहाँ लिखा हुआ ना आप देख रहे हैं क्लीन अप सिस्टम फाइल, तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये डिस्क क्लीनअप स्टार्ट हो चुका है। इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, तो आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है इसमें। तो कुछ स्टेप हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको अच्छे से फॉलो करते रहना। इसमें ज़्यादा ज़्यादा 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। तो अभी ये हो रहा है, कैलकुलेट कर रहा है अभी, और साथ ही साथ में इसको क्लीन अप भी कर रहा है।
क्लीन करता है, जो आपकी जो कंप्यूटर की जो सी ड्राइव की जो एरर वाली फाइल होती हैं, जो टेम्परेचर जो बेकार की फाइल होती हैं, उस चीज़ को क्लीन करता है, जिससे आपके जो कंप्यूटर होते हैं जो स्लो वर्क करने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, आपके जो मोबाइल फ़ोन में आप वो अपने ऐप में जिसमें आप काम करते हैं उसमें जो कैश फाइल हो जाती है, सेम वही प्रोसेस है, इसमें भी कैश फाइल हो जाती है, तो उस चीज़ को क्लीन करता है। जैसे आपके जो फ़ोन भी है उसके क्लीन करने के बाद जो स्टार्ट हो जाता है फास्ट चलना, सेम वैसे ही, तो उसको भी ये क्लीन कर रहा है, जो कैश फाइल जो होती है इनकी, ये सब उनको क्लीन कर रहा है। उसके बाद आपके कंप्यूटर जो होता है फास्ट हो जाएगा। तो अभी देखो अब हो रहा है धीरे धीरे, अभी टाइम लगेगा। और अभी आप देख सकते हैं कि सब कुछ हो चुका है, यहाँ पे जितनी फाइलें थी सब डिलीट हो चुकी हैं। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, इस पर ओके कर देंगे। यहाँ ओके करेंगे फिर आपसे कंफर्मेशन मांगेगा कि आप जो फाइलें हैं उसको आप डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे डिलीट फाइल पे प्रेस कर देना। तो यहाँ मैंने प्रेस कर दिया है, अब ये जितनी फाइलें हैं इसने सबको डिलीट कर दी है। तो आपका ये थर्ड स्टेप भी आपका पूरा हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके करके बस ये आपका थर्ड स्टेप पूरा हो चुका है। तो इसके बाद आपको ये यहाँ से इसको कट कर देना है फोल्डर भी, जो सबसे लास्ट स्टेप जो है फोर्थ स्टेप, उसको आप तभी करना जब आपके पास ज़्यादा टाइम हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब आपके पास टाइम हो अच्छे से, तब आप इस चीज़ को यूज़ करना। तो मैं यहाँ लास्ट फोर्थ स्टेप स्टार्ट करता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट पे जाना है, जो विंडो वाला जो आपका आइकन देख रहे हैं यहाँ पे कॉर्नर में लेफ्ट साइड विंडो, उसको आइकन को उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देख रहे हैं आप सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स, इस पर आपको लिखना है डिस्क डिफ्रैगमेंटर। देखो मैंने यहाँ पर डिस्क डिफ्रैग लिखा, यहाँ पे सबसे ऊपर दिख गया, ठीक है, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ सी ड्राइव पे क्लिक करेंगे, जो आपकी विंडो जहाँ पे इंस्टॉलेशन होती है इसी में होती है ना सी ड्राइव में, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपको डिस्क फ्रैगमेंट पे, इस पर देख रहे हैं आप जहाँ माउस का सर्कल जा रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपका ये स्टार्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, देख रहे हैं आप 0% एनालाइज पे। जब तक ये पूरा 100 ना हो जाए तब तक आपको रोकना नहीं है, बस आपको ये स्टेप फोर्थ स्टेप आपको ये करके छोड़ देना है। तो उसमें टाइम लगेगा, अब कितना टाइम लगेगा पता नहीं, कम से कम आपको 10-15-20 मिनट, कई बार क्या होता है आधा आधा घंटा भी लग जाता है। तो आपको ये स्टेप है तभी करना जब आपके पास टाइम हो। इसके बाद आपको जो कंप्यूटर है पहले से अच्छे से चलेगा और फास्ट हो जाएगा। तो आपको ये लास्ट स्टेप अच्छे से करना है। तो चलिए इसको अभी हम पूरा होने देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये पूरी हो चुकी है, डिफ्रैगमेंट जो डिस्क है वो अच्छे से हो चुकी है। हमने इसको कब स्टार्ट किया था, आप देख सकते हैं कि पहले कितना कब स्टार्ट किया, 14:50 पे स्टार्ट किया होगा। हाँ, तो कम से कम इसको 12 से 13 मिनट लग चुके हैं इसको पूरा कंप्लीट होने प्रोसीजर को। बस आपको इतना ही करना है, फिर आपके पास उसके बाद क्या करना है ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो बाकी जो हैं डी ड्राइव वो ई ड्राइव करके, इसको आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, वो ऑप्शनल है, आपके ऊपर है कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ये सी ड्राइव का तो हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपकी जो स्लो चलते थे कंप्यूटर, हैंग होते थे, जितने जो कैच फाइल लेते हैं, टेम्परेचर फाइल थे, फालतू जो एरर वाले फाइल थे, सब डिलीट हो चुके हैं। उसके बाद आपके जो कंप्यूटर है अच्छे से वर्क करना शुरू कर देगा। आप अपने कंप्यूटर को इसके बाद क्या करना, रिस्टार्ट करके उसको चला के देखना। तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद आपका जो डिवाइस अच्छे से वर्क करेगा और पहले से फास्ट चलेगा। तो यही इस वीडियो में आपको बताना चाहता था। तो अभी तक तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें।
जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही हो, टेक्निकल इशू आ रहा हो फ़ोन में, पीसी में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं और आपके लिए नई नई वीडियो बना सकूं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।